तो गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट दिखाया करो, और जो जो सपोर्ट कर रहा है उसके लिए थैंक्स सभी को। और वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, एश वर्सेस हिज डैड पार्ट 47। तो टोबियस ने एश को बोला था, एश मैं तुमसे बैटल करूँगा अब। तो टोबियस स्टेडियम में आ जाता है और एश ने रेड को हरा के यूनिवर्स चैम्पियन बन चुका था। और टोबियस एश से बैटल करना चाहता था और एश भी उसके साथ बैटल करना चाहता था, क्योंकि एश ने अभी तक टोबियस को नहीं हरा पाया रहा था। तभी तभी रेड बोलता है, ठीक है मैं इस मैच का रेफरी रहता हूँ। और सभी सारे के सारे मास्टर रेड ट्रेनर्स बैठ जाते हैं, एश के दोस्त और एश के फैंस सब स्टेडियम में एश एश के चिल्लाने लगते हैं। तभी लियोन और एश के डैड भी वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तभी रेड बोलता है, एश तुम टोबियस को तो नहीं हरा पाओगे, मुझे पता है। तभी एश को पता चल जाता है कि टोबियस भी एक यूनिवर्स चैम्पियन है। तभी एश अपने फुल पावर से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टोबियस बोलता है, एश तुम अपने पोकेमोन को हील कर सकते हो। तभी एश अपने सारे पोकेमोन को हील अप कर लेता है और फर्स्ट में पिकाचू को निकालता है और कहता है, ठीक है टोबियस मेरा फर्स्ट पोकेमॉन पिकाचू है, तुम अपना निकालो। तभी टोबियस अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरफ से लेटियस को निकालता है और एस इस बार फिर से लेटियस को देख के घबरा जाता है और पिकाचू का बदला लेटियस लेने के लिए लेटियस भी बहुत गुस्से में दिखता है और एस अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट करने बोलता है। तभी टोबियस अपने लेटियस को ड्रैगन रश करने बोलता है। तभी ये ड्रैगन रश सीधा पिकाचू को हिट हो जाता है और पिकाचू एक हिट से बहुत डैमेज पहुंच जाता है और ऐसे इसको देख के बहुत शॉक में पड़ जाता है और सारे स्टेडियम के लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि पिकाचू जैसे बहुत एक हिट से ड्रॉप डाउन हो रहा है। तभी ऐसा पिकाचू को फिर से इलेक्ट्रो बॉल करने बोलता है। तभी उधर से टोबियस अपने लेटियस को अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन को निकालना है कुछ डार्क ड्रैगन। अभी इस एस डार्क ड्रैगन देखकर और ज़्यादा घबरा जाता है और खासकर सुनते हैं अभी वो मैच को देखने की वो भी सुन जाते हैं कि एस अब कभी देखते हैं। अभी एस अपने पूरी ताकत से पूरे निंजा को फर्स्ट इंस्टॉल करने बोलता है। तभी उधर से वो भी सब डार्क ड्रैगन और डार्क फल इंस्टॉल करने बोलता है। तभी दोनों का अटैक टकरा जाता है और दोनों जगह कट करने से पहले ही टकराया अपने डार्क बॉल से दोनों जगह नॉक कर देता है और बहुत डैमेज पहुँच जाता है। दोनों निंजा बहुत डैमेज पहुँच जाता है ये करने के लिए और एस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके सारे के सारे पोकेमॉन एक अटैक से ही बहुत डैमेज पहुँच रहे थे। तभी एस को गुस्सा आ जाता है और एस अपने ग्रीन निंजा को जाइंट शूरिकन करने बोलता है। तभी ये जाइंट शूरिकन देख के टोबियस भी थोड़ा खुश हो जाता है और मुस्कुरा के बोलता है, एस मुझे पता था तुम अपने ग्रीन निंजा को ये अटैक बोलोगे, इसलिए मैं पहले से तैयार हूँ। डाकराय फोकस ब्लास्ट। तभी डाकराय का फोकस ब्लास्ट बढ़ रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था। तभी ये अटैक दोनों के टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और स्मोक निकलने लगता है चारों तरफ। तभी किसी को दिखाई नहीं देता और स्मोक हटने के बाद देखते हैं कि ग्रीन निंजा नीचे गिरा हुआ है और डाकराय अभी तक वहीं पर खड़ा था। तभी इस बार एस इसको देख के बहुत घबराने लगता है और सारे स्टेडियम के जितने भी लोग थे वो टोबियस के सपोर्ट में चले जाते हैं, टोबियस टोबियस कह के। और एश के फैन और एश के दोस्त तो एश के साथ ही थे। तभी एश अपने ग्रीन निंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन में लाने की कोशिश करता है पर इस बार ग्रीन निंजा पता नहीं क्यों बॉन्ड एवोल्यूशन में नहीं जाता और वहीं पर फेंट हो जाता और रेड बोलता है, ग्रीन निंजा भी हार चुका है। तभी एस को बहुत गुस्सा आने लगता है और बहुत
हैरान भी होता है कि उसका सारे के सारे ओवर पावर पोकेमोन हार रहे हैं, तभी एस के पास एक ही पोकेमोन बचता है और लास्ट चांस बचता है, जो कि वो अपने तो एस वर्सेस हिज ग्रैंडफादर पार्ट 4 में स्वागत है आप सभी का। जिसने ही पार्ट 3 को नहीं देखा जाके देख लेना, वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर और इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। और गाइस आप सभी को एक बात बतानी थी कि मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी मेरा बिजनेस डाउन हो गया, तो सारे वीडियो को शेयर कर दो, लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा पर शेयर ज़रूर करना। तो वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। तो एस उस मार्क्समैन से हार के चला जाता है मार्क्समैन के पीछे और मार्क्समैन के केव में पहुँच जाता है और वहाँ पर देखता है एस एक एंशिएंट ग्रीन निंजा का तस्वीर होता है, जैसे वहाँ पर बॉनी ने देखा था वैसे ही एस को भी दिख जाता है। और एस कहता है ये ग्रीन निंजा तो मैं पहले भी इसकी तस्वीर देख चुका हूँ। तभी मार्क्समैन कहता है हाँ एस मुझे पता है तुमने देखा इस ग्रीन निंजा का तस्वीर, पर ये ग्रीन निंजा जिनका वो मेरे ग्रैंडफादर थे। तभी एस इस बात को सुन के घबरा जाता है, शॉक में आ जाता है। तभी एस पूछता है क्या सच में तुम्हारे ग्रैंडफादर थे? तभी मार्क्समैन कहता है हाँ एस, इसलिए हम हमारे सारे पूर्वजों के पास ग्रीन निंजा है और यहाँ तक तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मेरा ग्रीन निंजा भी स्पेशल है थोड़ा सा। तभी ऐश बोलता है हो सकता है, पर मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम इतने पावरफुल ग्रीन निंजा को लेके घूमते हो और तुम्हारे पास अभी तक बॉन्ड एवोल्यूशन फॉर्म नहीं देखा मैंने, फिर भी तुम्हारा ग्रीन निंजा इतना पावरफुल कैसे है? तभी वो मार्क्समैन कहता है ऐश को ऐश तुम्हें सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी, तुम एक सही जगह पर आए हो। हमारे पूर्वज पहले बहुत ग्रीन निंजा की ट्रेनिंग में महारत थे और वो भी रियल एक निंजा थे। तभी एस कहता है ठीक है मार्क्समैन तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो। तभी मार्क्समैन एस को ट्रेनिंग देना चाहता था क्योंकि मार्क्समैन का और एस के डैड का थोड़ा सा कुछ कनेक्शन था। तभी मार्क्समैन कहता है ऐश तुम्हें शायद पता नहीं होगा मैं तुम्हें ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ। तभी ऐश बोलता है हाँ मुझे पता है क्योंकि मेरा ग्रीन निंजा बॉन्ड एवोल्यूशन हो सकता है। तभी वो मार्क्समैन कहता है नहीं ऐश, इसकी वजह से नहीं, तुम्हारा दूसरा ही कुछ बात है, पर मैं अभी तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। तभी ऐश सोचने लग जाता है और ट्रेनिंग भी पूरा करने लग जाता है। तभी ऐश और मार्क्समैन मिल के अपने ग्रीन निंजा को बहुत ही पावरफुल बना लेते हैं और फास्टेस्ट पोकेमोन का खिताब भी उनके नाम करते हैं और ग्रीन निंजा इतना फास्ट बन चुका था मेगा सेप्टाइल से भी ज़्यादा फास्ट। तभी एस कालोस रीजन में फिर से मार्क्समैन के साथ बैटल करने के लिए चाहता था, पर मार्क्समैन कहता है नहीं एस तुम अपने पावर को अपने ग्रैंडफादर के सामने इस्तेमाल करना। तभी एस वहाँ से ट्रेनिंग लेके चला जाता है सरीना के पास और सरीना के पास मिलता है और ऐश सरीना को कहता है सरीना मैंने अब अपने ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है, तुम्हारी मदद से मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ और मेरे न्यू दोस्त से मिलो, ये है मार्क्समैन। तो सरीना बोलती है ऐश को इसका क्या कुछ नाम नहीं है क्या, ये मार्क्स लगाता है कह के मार्क्समैन। तभी वो मार्क्समैन वाला बंदा कहता है मेरा नाम है हायातो। तभी सरीना चौक जाती है इस नाम को सुनकर क्योंकि इस नाम का बहुत पावरफुल एक निंजा गैंग होता था और निंजा गैंग का लीडर होता था हायातो। तभी सरीना थोड़ी देर शांत रहती है डर के मारे। तभी ऐश और हायातो मिल के गला रीजन के सफ़र में जाते हैं। तभी ऐश के सामने टीम रॉकेट आ जाती है और टीम रॉकेट बोलती है उस मार्क्समैन का ग्रीन निंजा हमें चाहिए ऐश और तुम्हारा भी। तभी ऐश और मार्क्समैन को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर मार्क्समैन अपने ग्रीन निंजा को वाटर पल्स करने बोल के वो टीन रॉकेट को हवा में उड़ा देते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी ऐश गलार में पहुंच जाता है और ऐश गलार में पहुंचते ही अपने ग्रैंडफादर से मिलता है और बोलता है ग्रैंडफादर आप मेरे साथ फिर से बैटल कर लो, इस बार मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ। तभी भी अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट से अटैक करने बोलता है। तभी ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और स्टेडियम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो एस और
रेड देखते हैं कि स्टेडियम में बहुत स्मोक होता है और सारे स्टेडियम के ऑडियंस भी देखने पता नहीं चलता चार्जर्ड और म्यूटू के कहाँ है बोलकर। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को फायर ब्लास्ट फिर से करने बोलता है और म्यूटू उधर से शेडो वॉल करता है और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं और किसी को डैमेज नहीं पहुंचता, बराबर के अटैक होते हैं। और ऐश अपने चार्जर्ड को हवा में जाने के लिए बोलता है और तभी उधर से रेड अपने म्यूटू को भी हवा में जाने के लिए बोलता है। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को थंडर पंच इस्तेमाल करने बोलता है। तभी रेड उधर से अपने म्यूटू को क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल करने बोलता है। तभी दोनों का अटैक हिट हो जाता है और चार्जर्ड को थोड़ा ज़्यादा डैमेज पहुंच जाता है और ये देख के ऐश थोड़ा घबरा जाता है। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को थंडर पंच फिर से करने बोलता है और उधर से इस बार रेड अपने चार्जर्ड को साइकिक अटैक करने बोलता है और फिर से चार्जर्ड को साइकिक अटैक से पता ही नहीं चलता, चार्जर्ड कंफ्यूज हो चुका था और नीचे गिर जाता है। और कंफ्यूजन के बाद निकलने के बाद ऐश कहता है अपने चार्जर्ड को, चार्जर्ड तुम अपने फुल पावर से ओवरहीट इस्तेमाल करो। तभी उधर से रेड अपने म्यूटू को बोलता है, म्यूटू तुम भी अपनी ताकत लगा दो और डार्क पल्स इस्तेमाल करो। तभी म्यूटू को ये अटैक देखकर ऐश बहुत घबरा जाता है कि म्यूटू एक साइकिक टाइप का होकर डार्क पल्स कर रहा है और इस पर म्यूटू का डार्क पल्स बहुत ही घातक था और चार्जर्ड के ओवरहीट को चीरते हुए चार्जर्ड को लग जाता है और चार्जर्ड बहुत डैमेज हो जाता है और ऐश को नहीं लगता कि वो अब जीत पाएगा।